कल शादी का माहौल था और उसमें इनविटेशन मिला था तो उसमें मैं गया था। तो उसमें बहुत दिनों के बाद आप माता जी से मुलाकात हुई, सब परिवार एकजुट एक जगह आप थे, तो क्या कुछ आपकी समस्या का समाधान हुआ? अभी जो मेन समस्या है 19-20 का चुनाव है कि कैसे नौजवानों को लेकर के चलना है और अपना पुनः राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाने का काम करना है, तो उसके लिए पूरा छात्र सब, नौजवान सब, लड़का लोग पूरा तत्पर था कि भैया एक बार आप लोग, आपको आना है। ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए तमाम लोग जुड़ा हमसे, बहुत लोग मैसेज कर रहा था कि 19-20 का भाई आप नहीं रहिएगा तो कैसे चुनाव होगा, कृष्ण नहीं रहेंगे तो अर्जुन को कैसे देखेंगे। तो इसलिए हम यहाँ आज से पार्टी कार्यालय से शुभारम्भ कर रहे हैं और यहाँ से तमाम जगह घूमने का काम करें। लेकिन जो महाभारत मचा हुआ है, किसानों को आगे बढ़ाना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, उन लोगों को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी जाएगी, नौजवानों को। तलाक पिटीशन वापस लेंगे, वो पर्सनल लड़ाई है, वो लड़ाई को रहने दीजिए। जो परिणाम आया छत्तीसगढ़ का या मध्य प्रदेश का, उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से कांग्रेस के, किस तरीके से जनता ने दूर करने का काम किया, जो 4 साल में जिस तरीके से व्यवहार, जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, बोले कि 15-15 लाख रुपया आएगा, फैक्ट्री आएगा, पता नहीं क्या क्या योजना वो लोग चलाने का, गंगा सफाई अभियान कहां से योगी जी, मोदी जी, तमाम जैसा जो लोग घूम करके और मुखिया के तरह घूमने का इन लोगों काम किए, लेकिन फिर भी इन लोगों कुछ नहीं हासिल हुआ। किस तरीके से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और जो 3 राज्य में जो चुनाव हुआ, किस तरीके से कांग्रेस इतना बहुमत ला करके जीतने का काम किया, ये जनता का पूरा श्रेय जाता है। फिर उसी तरीके से 19-20 में यहाँ भी वही कमाल होने वाला है, बिहार में धमाल होने वाला है।